सब्सक्राइब करें ज्ञान हिंदी में चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो जब से मिस ना। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हिंदी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि MIUI 9 बीटा रोम से MIUI 8 स्टेबल रोम में कैसे जाते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं, मैं एक थ्योरी बताऊंगा। आने वाले वीडियो में 1-4-5 दिन के अंदर मैं प्रैक्टिकल वीडियो डालने वाला हूँ। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस प्रोसेस को करने से पहले दो काम आपको कर लेना है, अपने डेटा का बैकअप रख लेना है और दूसरा MI अकाउंट का जो पासवर्ड है, जो आपने अकाउंट बनाया था, उस पासवर्ड को याद रखिएगा। क्या है कि जब आप MIUI 9 बीटा रोम से स्टेबल MIUI 8 स्टेबल रोम में जाइएगा, तो जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, उस प्रोसेस में आपको जो है आपको पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा MI अकाउंट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे करना है। सिंपली आप एक ब्राउज़र में जाइए, जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं, मैं UC ब्राउज़र में जा रहा हूँ। वहाँ पे टाइप करिए सर्च बार में en.miui.com, ठीक है, सर्च कर दिए। उसके बाद सबसे पहला जो साइट है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ साइड में डाउनलोड पे चलेंगे। डाउनलोड में जाने के बाद आपका जो भी डिवाइस है उस डिवाइस को सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में रेडमी नोट 3 है, तो मैं रेडमी नोट 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी डिवाइस है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रेडमी नोट 3 आ गया, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट जैसे ही करेंगे ये ओपन होने लगेगा। सॉरी दोस्तों, नेट में स्पीड नहीं है, इस वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है। इस प्रोसेस को करने में मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक बार बोल देता हूँ कि आप अपने डेटा को बैकअप रख लीजिएगा और MI अकाउंट का पासवर्ड जो है आपको याद होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, ये एक थ्योरी वीडियो है। आने वाले 2-4-5 दिनों में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दो वर्जन आ गए हैं, एक है स्टेबल रोम जो कि MIUI 8 पर बेस्ड है, और दूसरा है डेवलपर रोम यानी कि बीटा रोम, जो अभी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि MIUI 9 पे बेस्ड है। तो मैंने बीटा में गया है, MIUI 9 के बीटा रोम को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो हमको MIUI 8 के स्टेबल रोम में जाना है, तो हमको सबसे फर्स्ट वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे दो रोम है, पहला वाला स्टेबल रोम है और दूसरा वाला बीटा रोम है, तो हमको फर्स्ट वाला डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। डाउनलोड कर लेना है फाइल को, उसके बाद सेटिंग में चलेंगे, उसके बाद अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ राइट पे जो है 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चूज अपडेट पैकेज पे क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फाइल एक्सप्लोरर खोल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने रोम को डाउनलोड करके रखा है उस फोल्डर को क्लिक कीजिएगा, मान के चलिए कि इसी फोल्डर में है। उसके बाद रोम को क्लिक करना है, रोम फाइल को क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ओके दबाना है, आपका डिवाइस जो है MIUI 8 में फ्लैश हो जाएगा। तो एक सिंपल तरीका है, बिना कंप्यूटर का, बिना इसके आप जो है अपने मोबाइल में ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। आने वाले 2-4 दिनों में मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।